हाँ, तो पहले पार्ट को इतना प्यार देकर तुम सभी ने साबित कर दिया है कि तुम सभी को स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ उस वीडियो का पार्ट टू। आई होप तुम्हें ये भी स्टोरी बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, गुरु स्मृति में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम चिकन सूप फॉर द सोल बुक के कुछ बटन लेसन के बारे में बात करेंगे। ये कहानी है बॉप्सी की। बॉप्सी एक बच्चा है जो टर्मिनल ल्यूकेमिया से पीड़ित है। उसकी माँ की उम्र 26 साल है और अभी वो अपनी माँ की गोदी में है। सभी पेरेंट्स की तरह बॉप्सी की माँ का भी एक सपना है कि वो अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देखे, उसके सपने पूरे करे। लेकिन बॉप्सी की इस बीमारी की वजह से ना तो उसकी माँ उसे बड़ा होते हुए देख सकती थी और ना ही उसके सपने पूरे होते हुए। लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि वो उसके सपने पूरे करे। तो उसने अपने बेटे से पूछा कि बॉप्सी, तुमने कभी बड़े होकर ये नहीं सोचा कि तुम्हें ये बनना है या ये बनना है, जैसे सब लोग सोचते हैं कि मुझे पुलिसमैन बनना है, ये बनना है, वो बनना है? तो बॉप्सी बोलता है, माँ मैंने भी सोचा है, मेरा हमेशा से सपना था कि मैं एक फायरमैन बनूं, लेकिन अब तो वो पूरा नहीं हो सकता। ये बोलकर बॉप्सी अपनी आंखें नीचे झुका लेता है। लेकिन उसकी माँ उससे बोलती है, तो कैसा रहेगा यह सपना तुम्हारा अभी पूरा हो जाए? बॉप्सी आशा से देखता है, उसे लगता है कि उसका सपना सच हो सकता है। तो बॉप्सी की माँ बोलती है, तो कल सुबह तैयार हो जाना, हमें कहीं चलना है। अगले दिन बॉप्सी और उसकी माँ दोनों फायरमैन के ऑफिस जाते हैं। वहाँ उन्हें मिलता है फायरमैन बॉब। तो बॉप्सी की माँ फायरमैन बॉब से पूछती है कि ये मेरा बेटा है 6 साल का, इसको टर्मिनल ल्यूकेमिया है जिसकी वजह से बहुत जल्द इसकी मौत हो जाएगी। तो बॉब, क्या आप इसे अपने ट्रक में बिठा कर एक बार पूरे शहर का चक्कर लगवा देंगे? ये भी खुश हो जाएगा क्योंकि इसका सपना है। बॉब बॉप्सी की माँ की तरफ देखता है और थोड़ा सा सोचते हुए बोलता है, वेल, हम इससे भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अगर आप मुझे कल तक का टाइम दे तो हम इससे भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। आप अगर इसका नाप दे देंगे तो हम इसके लिए एक ड्रेस सिलवाएंगे और कल ये एक फायरमैन की तरह पूरे दिन हमारे साथ रहेगा। ये बात सुनते ही बॉप्सी एक्साइटेड हो जाता है और उसकी माँ भी। तो वो दोनों घर पे चले जाते हैं। घर पे जाने के बाद वो वैसा ही करते हैं जैसा बॉब ने उनसे बोला था, इंतजार। हाँ, तो वो इंतजार करते हैं अगले दिन का। नेक्स्ट डे जब वो फायरमैन के ऑफिस जाते हैं तो उनके लिए एक ड्रेस रेडी रहती है। बॉप्सी उस ड्रेस को पहन लेता है और एक पूरा दिन फायरमैन बनने के लिए तैयार हो जाता है। ड्रेस पहनने के बाद वो उसी ट्रक में बैठ जाता है जिसमें सभी फायरमैन बैठे थे और तैयार हो जाता है मिशन के लिए। उस दिन फायरमैन बॉब के पास 3 कॉल आते हैं और उस ट्रक में चीफ, फायरमैन और बहुत सारे लोग रहते हैं, यहाँ तक कि न्यूज रिपोर्टर भी रहता है लाइव कवरेज के लिए। इन सभी लोगों के साथ जब उसने अपना पूरा दिन बिताया तो वो इतना खुश हुआ, जितना वो शायद कभी नहीं हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस सब सिनेरियो के बाद वो 3 महीने तक ज्यादा जिया, जो कि पॉसिबल नहीं था। डॉक्टर्स ने आशाएं छोड़ दी थी कि अब ये जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन वो जिंदा रहा जस्ट बिकॉज उसका सपना पूरा हो गया था। उसके सपने ने टर्मिनल ल्यूकेमिया को हरा दिया था 3 महीने के लिए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बॉप्सी की लाइफ में वापस खुशियां आ गई थी, उसकी माँ भी खुश थी, सब खुश थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि वो जो सारे साइंस जो उसको पहले आ रहे थे, जिससे इंडिकेट होता था कि अब उसकी मौत होने वाली है, वो सारे एक साथ दिखने लगे। जब नर्स ने यह सब नोटिस किया तो उसने उसके फैमिली मेम्बर्स के पास कॉल किया और उन सबको बताया कि बॉप्सी की हालत बहुत ख़राब है और कभी भी उसकी मौत हो सकती है। ये सब बताने के बाद नर्स को ध्यान आया कि बॉप्सी को फायरमैन बनना था, तो उसने फायरमैन बॉब के पास कॉल किया और उससे बोला कि क्या आप सभी यहाँ पर आ सकते हैं बॉप्सी से मिलने। ये सुनकर फायरमैन बॉब बोले कि हम इससे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। फायरमैन बॉब ने नर्स से बोला, मैं अपने फायरमैन के साथ ट्रक में आऊँगा और लाइटें चलाऊंगा और सायरन भी बजाऊंगा। ये सब देखने की वजह से आपके हॉस्पिटल में ये नहीं लगना चाहिए कि वहाँ पर आग लगी है। आप उन्हें बता देना कि वहाँ पर कोई आग नहीं लगी है, हम सिर्फ हमारे सबसे अच्छे मेंबर से मिलने के लिए आए हैं। नर्स बोलती है, ओके। और थोड़े टाइम बाद हॉस्पिटल में सायरन की आवाज़ सुनाई देती है, टॉर्च जलती हुई दिखाई देती है, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है जो इंडिकेट करती है कि फायरमैन आ गए हैं। फिर फायरमैन का एक ग्रुप लेटर को उस रूम की विंडो पर रखता है जिस रूम में बॉप्सी था, और लेटर को रखने के बाद 14 फायरमैन और 2 फायरवुमेन बॉप्सी के पास आते हैं और उसको हक करके बताते हैं कि तुम सबसे फाइनेस्ट मेंबर हो। ये सब देखकर बॉप्सी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बॉप्सी फायरमैन बॉब से बोलता है, क्या मैं सच में एक फायरमैन हूँ? हाँ, और तुम सबसे अच्छे फायरमैन हो, बॉप्सी उसे बताते हैं। ये बात सुनकर बॉप्सी उनकी तरफ स्माइल करता है और अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लेता है। बॉप्सी की यह कहानी हमें बताती है कि अगर हम किसी चीज को शिद्दत से चाहें तो हमें जरूर मिलती है, या फिर अगर हमें अपने सपनों पर विश्वास हो और अगर हमने ठान लिया है कि हमें यही करना है,
कोई माइकल लाल आपको नहीं रोक सकता, मौत भी नहीं।